आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान मथुरा में हर तरफ इस समय तिरंगा झंडा फहराने के साथ साथ तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी के तहत दिव्यांग बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के साथ साथ उन्हें हुनरमंद बनाने का काम कर रही कल्याण करोति संस्था में आज भारतीय सेना के 158वीं बटालियन के जवानों ने आकर यहाँ तिरंगा झंडा उन्हें वितरित किए। साथ ही यहाँ के दिव्यांग छात्र भी इस आज़ादी के जश्न को बड़े उत्साह के साथ मनाते हुए वंदे मातरम और भारत माता की जय जयकार के साथ इसमें शामिल हुए। इस मौके पर तिरंगा यात्रा में भी जोश भर नारे लगाए गए, जो सब में तिरंगा झंडा लहराकर अपने देश के लिए एक संदेश दिया। इस आज़ादी के लिए हमारे बहुत मायने हैं, क्योंकि इनके लिए हमारे देश के कितने ही वीर सपूतों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसी के चलते आज हम अपनी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। उसी क्रम में कल्याण करोति संस्था द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सेना के जवानों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आर्मी 178 बटालियन के माध्यम से ये झंडारोहण और झंडा वितरण का कार्यक्रम किया गया है। और हमारी चेष्टा है कि जिन लोगों की वजह से देश आज आज़ाद हुआ है, उनको हम लोग याद कर सकें, उनकी शहीद जो लोग हुए हैं उनकी स्मृतियों को अपने मन में सदैव स्मरण रख सकें। इस अवसर पर मैं ये कामना करता हूँ। मैं मदन सिंह, डिप्टी कमांडर 178 बटालियन से बात से मथुरा से आया हूँ। हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। इस संबंध में झंडा वितरण के लिए हम कल्याण करोति में आए हैं, जो इसके बारे में जो स्कूल जो चल रहा है, इनके बच्चों को क्या हमारे तिरंगा का महत्व क्या है, और इसलिए वितरण करने आए हैं।